भी देखी है इस गाड़ी में, फीचर्स काफ़ी मिसिंग है, जैसे कि सनरूफ वगैरह नहीं आता है, वायरलेस चार्जर नहीं है, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है। तो अगर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अपने राइवल से करीब 1 लाख रुपये सस्ता रहता है, जो बेस वर्जन है उसका प्राइस और टॉप ऑफ द लाइन वर्जन का करीब 1.5-2 लाख, तो ये गाड़ी लेने लायक है, जस्टिफाइड है फिर। लेकिन अगर इसका प्राइस सिर्फ 50,000 या 60,000 कम रहता है, देन इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस कंपटीशन में, सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। हाँ, हो सकता है सिटन वाला इसके इतनी सी प्राइसिंग रखे कि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी छोड़ के इस गाड़ी की तरफ आ जाएँ, तो अगर ऐसा होता है तो देन दिस कार इज़ नो ट्रेनर। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके एक बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, चाहे फीचर्स कम हो, तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। तो प्राइसिंग का वेट करते हैं, बट एज अ कार विच ड्राइव्स वेरी वेल, एज अ कार विच ऑफर्स यू गुड स्पेस एंड एज अ कार विच ऑफर्स यू गुड कम्फर्ट, सिट्रॉन डेफिनेटली हैज़ डन अ गुड जॉब एंड देव इंजीनियर्ड अ वेरी सॉलिड प्रोडक्ट। मैं देखूँगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 90 का 100 में से, और फाइनल वर्डिक्ट वेट करेंगे प्राइस के बाद का। इस वक्त हर कार पेकर को चाहिए एक एसयूवी अपने पोर्टफोलियो में, हर कोई एसयूवी खरीदना चाहता है, और आजकल नई गाड़ी का मतलब हो चुका है नई एसयूवी। आपको अगर गाड़ी चाहिए तो आप एसयूवी की तरफ ही देखेंगे। अभी तक अब इंट्रो मैंने क्यों दिया, वेल क्योंकि सिट्रॉन अपनी तीसरी एसयूवी लेके आ गया है या चौथी, इसका नाम ज़रूर C3 है, लेकिन इसमें C3 के साथ कुछ भी नहीं है, अलग गाड़ी है बिल्कुल, और बहुत बड़ी गाड़ी है कम्पेयर टू दैट कार। ये जो गाड़ी है ऑफिशियली ये बहुत ही यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि ये टक्कर लेती है सेगमेंट में जो भरी हुई है, क्रेटा से, सेल्टोस से, ग्रैंड विटारा वगैरह से। लेकिन इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कंपेटिटिव रहने वाली है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर 7 सीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, 5B और 7B, तो स्पेशियस और प्रैक्टिकलिटी में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी होगी। और अगर आपको अलग टाइप का गाड़ियाँ पसंद है, अलग टाइप के लुक्स पसंद है गाड़ियों के, तो ये गाड़ी देख के आपका दिल खुश होएगा। फ्रेंच गाड़ी है, देखने में बिल्कुल यूनिक है, फ्रंट एंड पे बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, स्क्वायर डिज़ाइन भी है, ये एरो का डिज़ाइन भी है जो सिट्रॉन का लोगो है, एंड ऑफ कोर्स लैट्स भी है, ब्लैक का भी यूज़ है और क्रोम थोड़ा कम यूज़ किया है। इसका जो हेडलैम्प का ट्रीटमेंट है अलॉन्ग विद DRLs, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी यूनिक, बहुत ही एलिगेंट ट्रीटमेंट। नीचे की तरफ जो आप देखें बम्पर भी बहुत ज़्यादा हैवीली स्कल्प्टेड है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इस गाड़ी में जो लगी वो है इसकी जो टायर्स हैं, 17 इंच के टायर हैं, और जो इनका डिज़ाइन है, जो एलोविल्स का डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके रूफ़ की, तो ये डुअल टोन के साथ आती है, डार्क ब्लू कलर का रूफ है, साइड रेल्स हैं, और साइड से भी कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे को इस गाड़ी का जो लुक है यूनिक लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इंडियंस का टेस्ट थोड़ा कॉन्जर्वेटिव होता है, कुछ कॉन्जर्वेटिव चीज़ें ही लोगों को पसंद आती है भारत में, तो आप बता सकते हैं आपको इसके लुक्स कैसे लगे, अच्छे हैं या बुरे आप मुझे बता सकते हैं। पीछे से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, एलिगेंट लुक्स हैं एंड यूनिकनेस है डिज़ाइन की। इन्होंने वो चीज़ नहीं करी है जो बाकी मैन्युफैक्चरर आजकल कर रहे हैं कि बीच में से पट्टी को जोड़ दो लाइट्स की, वो वाली चीज़ इन्होंने नहीं करी है। बट हाँ, बाकी अगर हम देखें गाड़ी को तो आप कह सकते हैं कि एक अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही स्वैग है इस गाड़ी का। एनीवेज हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि इंटीरियर से गाड़ी देखने में कैसी है। वेल, तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में, और ये 5 सीटर वर्जन है, 7 सीटर हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब 5 सीटर में स्पेस अच्छा खासा है, 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं, एक बड़ा बेवरेज होल्डर यहाँ पे है, और दरवाजे भी काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पे बड़ी बेवरेज रख सकते हैं। लेकिन मुझे AC वेंट्स कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। अब AC वेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो इनको देने चाहिए थे, चाहे यहाँ देते, चाहे यहाँ देते, चाहे छत पे देते, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि अपनी गाड़ी में AC वेंट्स हों पीछे की तरफ, और ये बड़ा बेसिक सा फीचर आजकल की डेट में बन चुका है। सो दैट्स समथिंग दैट दे शुड हैव गिवन। ऑन द पॉजिटिव, सीट कवर इज़ क्वाइट गुड, बैक रेस्ट एंगल अच्छा है, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिलता है, जहाँ पे 2 बड़े बेवरेज होल्डर हैं, तो आप लंबे सफ़र पे अगर जाते हैं तो ऐसे बेवरेज रख सकते हो, और यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। शीशे भी काफ़ी बड़े हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, रूमी और ब्राइट लगेगा, और इन्होंने बेज, हल्के बेज कलर की फैब्रिक भी लगा रखी है, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक और मैं माइनर नेगेटिव कहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि जो सीट है ये स्प्लिट नहीं होती है, डजंट स्प्लिट 60-40, पूरा पूरा आपको बेंच ही या फिर बैक का इसका निकालना पड़ेगा, इन केस यू वॉन्ट टेक आउट एनीथिंग ऑन द रोड, तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। सो दैट समथिंग दैट मे बी सिट्रॉन शुड हैव थॉट अबाउट। पीछे अगेन आपको यहाँ पॉकेट्स मिलती हैं, जो कि सामान रखने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको AC वेंट जरूर देने चाहिए थे, और ये जो स्प्लिट वाला है सिस्टम, ये भी इस गाड़ी में लगाना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि पार्ट क्लॉथ है, और
पार्ट लेदरेट है तो इट्स मिक्स और काफ़ी लोगों को पसंद आएगा डिज़ाइन एंड काफ़ी लोगों को सीट कम्फर्ट बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि और एंगल भी अच्छे 90 डिग्रीज पर है तो कम्फर्ट में कोई इशू नहीं है, गाड़ी चौड़ाई में कोई इशू नहीं है, 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक पीछे के आराम के एहसास को और भी अच्छा कर सकती थी, वो अच्छी अगर ऐड करते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन फिर भी क्योंकि इट्स स्पेशियस कार की गुड स्कोर ऑफ 8 out of 10। तो मैं अब चढ़ के दिखाता हूँ आपको लास्ट रो में, उसके लिए यहाँ पे आप ऐसे थोड़े बकल को खींचिए, ये सीट आराम से सिंगल एक्शन में ऊपर हो जाती है बहुत आराम से, और इन सीट्स को भी ऊपर कर देते हैं, किसी और ने नीचे कर रखी है पहले से, और फिर आपको बैठ के दिखाता हूँ स्पेस कितना है। अब ये वाली सीट मैं ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन अब यहाँ से इसको ऐसे लगाइए और इसको ऐसे उठाइए, स्पेस सरप्राइजिंगली इस लास्ट रो में ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स क्वाइट डिसेंट, लेकिन अगर आप सीट को ऊपर करेंगे तो आपको बूट में सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस एंगल से भी आपको हम काट के दिखाते हैं कि यहाँ पे लेग रूम मुझे कितना मिल रहा है। वेल, अब मैं जल्दी से आपको न्यू रूम दिखा देता हूँ, लेकिन न्यू रूम अच्छा खासा है और हेडरूम तो काफ़ी अच्छा है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट 5'4" है या 5'5" है या 5'2" है तो आराम से आप बैठ पाएंगे, लंबे सफ़र के लिए भी वो बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आमतौर पर बच्चे ही बैठते हैं पीछे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको सिटी के अंदर शहर के अंदर आधे घंटे पौने घंटे के डिस्टेंस में जाना है तो आप मेरी हाइट के व्यक्ति अगर हैं 5'9" 5'10" तो आप तब भी यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के रास्ते के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप टायर्स के ऊपर ज़रूर बैठते हैं तो हो सकता है कि जब गाड़ी गड्ढे में जाए तो आपको थोड़ा सा धक्का लगे या झटका लगे, लेकिन सिट्रोन की गाड़ियों की राइड कंफर्ट बहुत बेहतरीन होती है तो कोई दिक्कत आपको वहाँ पर भी नहीं आएगी। 2 USB यहाँ पर है, 1 बॉटल होल्डर है, लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है तो ये थोड़ी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन 2 USB पॉइंट रखे हैं। और हाँ, 5 सीटर और 7 सीटर में एक बड़ा फ़र्क ये है कि 5 सीटर में AC वेंट्स पीछे नहीं आते हैं, जबकि 7 सीटर में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिखाई दे जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे आपको AC वेंट्स का ऑप्शन आराम से दिख रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और 4 AC वेंट्स यानी 2 नीचे फ्रंट पैसेंजर्स के लिए और 2 पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इफ़ यू बाय द 7 सीटर ऑप्शन ऑफ दिस कार। अब दिखाते हैं डिक्की और फिर दिखाते हैं कि ये सीट्स कितने आराम से निकल जाती हैं। तो अगर आप सारी की सारी सीटों को ऊपर करते हैं तो यहाँ पे स्पेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन सिट्रॉन कहते हैं कि आप ये लास्ट रो को 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। जी हाँ, 20 सेकंड लगते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे गिराना है, यहाँ पे एक इन्होंने थोड़ा सा बकल सा दे रखा है उसे खींचना है और उसको खींच के सीट को अपने लैच से निकालना है, और सीट ज़्यादा भारी भी नहीं है, ऐसे आराम से निकालिए और सीट को बाहर रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी को एज अ 6 सीटर यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, इस वाली सीट को आप आराम से ऐसे खोलिए और यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी यूटिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा स्पेस निकल जाता है। ऐसे मैंने आपको बताया 20 सेकंड का क्लेम है सीटों का कि दोनों सीटें आप निकाल के बाहर रख सकते हैं और सीट को आप घर पर रख सकते हैं इन केस यू वांट टू यूज जस्ट 6 सीटर। अगर आपकी सासू माँ एयरपोर्ट से आ रही है, उनको ले रहे हैं, आपको जाना है और उनके पास बहुत सारा सामान है तो ये दोनों सीट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो घर ना आए तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप दोनों सीट्स को लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे पास गाड़ी में स्पेस नहीं आपके लगेज के लिए, आप पीछे से इनोवा किराए पर करके आ जाइए। एनीवेज, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी थॉटफुली डन बाय सिट्रॉन। वेल, तो आ चुका अब सिट्रॉन C3 के कैबिन के अंदर, एयर क्रॉस कैबिन के अंदर, और इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है बड़ी अच्छी आवाज़ है इसकी, बड़ी पॉजिटिव आवाज़ है, बहुत ही रीअश्योरिंग तरीका है दरवाजे बंद होने का, तो उससे पता चलता है कि जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है गाड़ी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जब अंदर आएंगे तो एक टिपिकल सिट्रॉन का कैबिन है, बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे स्क्वायर डिज़ाइंस हैं, स्टेयरिंग व्हील के बीच में बड़ा सा रेक्टेंगल है, यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं सारे के सारे मेन्यूज और वॉल्यूम के वो भी इन्होंने स्क्वायर शेप के अंदर बना रखे हैं, और जो AC के जो वेंट्स हैं वो भी स्क्वायर और रेक्टेंगल डिज़ाइन है, तो बड़ा ही एक अच्छा लुक एंड फील है, बड़ा यूनिक सा इसका टच है। गाड़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस का, ये 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, देखने में बहुत अच्छा है, चलाने में ठीक ठाक है, लेकिन आपको लगेगा कि इसके अंदर ज़्यादा इन्होंने चीज़ें नहीं डाल रखी हैं, थोड़ी और चीज़ें डाल देते तो अच्छा रहता, लेकिन आजकल तो लोग अपना एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो लगा लेते हैं और इस गाड़ी में वायरलेसली वो कनेक्ट आप कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो चाहे एप्पल कारप्ले तो उसके थ्रू आप बहुत सारे फीचर्स चला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेयर व्यू की जो है पार्किंग के, तो कैमरा का व्यू ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन लेकिन ठीक है और विजिबिलिटी ठीक है,
एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका सीट कम्फर्ट, सीट जो है कम्फर्टेबल है और सारा का सारा कुशनिंग, सारा सपोर्ट अंडर थाइज बैक रेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सिट्रॉन को आता है सीट कंफर्ट पे काम करना। और एक और चीज़ जिसमें गाड़ी काफ़ी अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी काफ़ी बेहतरीन है। आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेस मिल जाती हैं जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, डोर बिन्स काफ़ी बड़ी है और जो ग्लव बॉक्स है ये भी डीप एंड स्पेशियस है, तो यहाँ पे आप आराम से अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी भी परसीव जो है काफ़ी अच्छी है, तो यू रियली एंजॉय दी ओवरऑल एक्सपीरियंस दिस कार। अगर हम बात करें फीचर्स की, वेल फीचर्स के मामले में सिट्रॉन विल यू नो रियली पोजीशन दिस कार इज अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो फीचर्स इन्होंने उतने ही दिए हैं जितना कि आपको ज़रूरत हो, जैसे कि इसके अंदर एयर कंडीशनिंग है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, यूएसबी है, लेकिन वायरलेस चार्जर वगैरह का ऑप्शन नहीं है और ऑटोमेटिक लैंप कंट्रोल का भी ऑप्शन नहीं दिया है, ना ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, और क्रूज कंट्रोल भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो दे हैव गिवन यू जस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑप्शंस, इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको लगे कि अब ठीक गाड़ी बैठे हो ना। आजकल सबका फेवरेट है सनरूफ, वो वाला फीचर भी मिसिंग है। और यहाँ पर जो एक बॉक्स वगैरह होता है जहाँ पे आप ऐसे हाथ रख सकते हो नहीं है, उसके इन्होंने ये आपको एल्बो रखने की जगह दे रखी है। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफकोर्स सम ऑफ देम आर नॉट देयर व्हिच माइट यू नो बी एसेंशियल लाइक अ सनरूफ फॉर सम, बट फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक दे विल बी वेरी हैप्पी विद द बिल्ड क्वालिटी, द कम्फर्ट एंड द वेरी यूनिक डिजाइन, especially for people who like you know important stuff जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटर्स और डिजिटल केजेस वगैरह आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगी। तो वो सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपका दिल खुश होएगा गाड़ी के अंदर बैठ के। बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो डिजिटल क्लस्टर है, इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी टायर प्रेशर मॉनिटर्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन इसकी एक बात अच्छी जो है वो ये कि इसका डिज़ाइन और जो लुक एंड फील है वो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि RPM का जो बैंड है वो ऊपर आ जाए तो आप उसको लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कलर्स चेंज हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये दो चार चीज़ें हैं जिससे कि इस गाड़ी के अंदर यू नो पर्सनलाइजेशन थोड़ी सी आप कर सकते हैं और यूनिट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब आप रखेंगे तो इंग्लिश में ही क्योंकि बाकी बाहर की लैंग्वेजेज हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो बनाती हैं इसको थोड़ा यूनिक, थोड़ा डिफरेंट। कंप्लीट डिजिटल है, बहुत ही शार्प है और देखने में काफ़ी अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे अराउंड 30 ऑड कनेक्टेड कार ऐप्स मिलती हैं, यानी कि आप गाड़ी में अपना फ्यूल देख सकते हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी है देख सकते हैं और सब चीज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं लेकिन ओवरऑल फीचर्स की कमी है गाड़ी के अंदर। एंड एक और चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी हुई है कि पावर विंडो के बटन्स यहाँ पे हैं पीछे वालों के लिए, ये बटन्स आगे यहाँ पे होते हैं दरवाजे पे होते हैं नॉर्मल, तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो दैट्स समथिंग विच सम ऑफ यू माइट से कि ये नेगेटिव है, एंड दैट्स समथिंग विच यू नो यू माइट नॉट रियली लाइक अबाउट दिस कार। बट अदर देन दैट, अगर आप पॉजिटिव्स की बात करें, सीट कम्फर्ट मैंने पहले कहा काफ़ी अच्छा है। वेल तो आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा गाड़ी में सीट बेल्ट को पहनिए। जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। इनफैक्ट अगर आप आगे बैठे हैं तो पीछे वालों से पूछ लीजिए कि आपने अपनी बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस। गाड़ी की क्रैश टेस्ट रीडिंग 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर फेल हो जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइविंग, चाहे घर के पास 5 मिनट का रास्ता हो, चाहे घर से दूर लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो। अब हम बात करते हैं सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस की। अब जहाँ पे बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको देते हैं मल्टीपल इंजन्स, मल्टीपल गियर बॉक्सेस, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं वेरिएंट्स के साथ, वहाँ पे सिट्रॉन ने सब कुछ ही बहुत सिंपलिस्टिक रखा है, बहुत ही हल्का रखा है। देर ओनली ऑफरिंग यू 1 इंजन एंड 1 गियर बॉक्स एंड देर ऑफरिंग यू 1.2 टर्बो चार्ज पेट्रोल, और उसके साथ आपको मिलता है ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। अभी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि हम ऑटोमेटिक लाएंगे या हम नहीं लाएंगे, तो वो सारी बातें इन्होंने भी कुछ नहीं करी है। 110 HP की पावर यहाँ बनाता है और 190 Nm का टॉर्क इसके साथ अवेलेबल है। और हमेशा सिट्रॉन की गाड़ी में एक बात बहुत अच्छी होती है और वो ये है कि इसका राइड कम्फर्ट बेहतरीन होता है, और इस गाड़ी का भी राइड कम्फर्ट बहुत ही आलीशान है। इट्स गॉट अ वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी एक्सेटिंग राइड। अभी हम एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर से निकल रहे हैं, जैसे आप देख सकते होंगे जो मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ बोलते वक्त, तो सारे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं
और एक्सपेंशन जॉइंट्स पे निकलते वक्त भी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह निकल रही है। 17 इंच के टायर्स हैं, 215 सेक्शन के बड़े टायर्स हैं, तो उससे भी एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील ठीक ठाक है, थोड़ा सा हल्का है लेकिन क्रिस्प है, आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं मारना पड़ता, लेकिन कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी करता है ये। और उसके साथ साथ ही एक और बात जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि इसका इंजन हालांकि टर्बो चार्ज्ड है लेकिन ज़्यादा शोर से हवा नहीं कर रहा है। और एक और बात ये भी है कि रिस्पॉन्सिवनेस में भी ये काफ़ी अच्छा है। तो दीज आर थिंग्स विच मेक इट अ गुड कार टू ड्राइव एंड दीज आर थिंग्स विच विल डेफिनेटली इंप्रेस यू व्हेन यू टेक दिस कार फॉर अ स्मॉल टेस्ट ड्राइव। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो ये इतना ज़्यादा स्लिक यूनिट नहीं है जितना जापानीज़ वगैरह का आता है, कोरियंस का भी आता है, बट आई थिंक इट डज द जॉब क्वाइट वेल। हैवी ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, हल्के गियर शिफ्ट्स है, लेकिन हाँ इट लैक्स दैट आउटराइट शिफ्ट पैटर्न क्वालिटी जो कि आपको सुजुकी मारुति और अब ह्यूंडई वगैरह से मिलने लग गया है, तो उस चीज़ में थोड़ा पीछे है। क्लच एक्शन ठीक ठाक है, छठे गियर होने का मतलब ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाईवे के ऊपर इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि अभी हम करीब करीब 75-80 की स्पीड पर चल रहे हैं और जो इंजन है वो है करीब 1400-1500 आरपीएम पर, तो ज़्यादा शोर शराबा गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। विजिबिलिटी गाड़ी की अच्छी है, आप यहाँ बैठेंगे तो आपको बॉनेट के चारों तरफ दिखता है, साइड के शीशे बड़े हैं और पीछे वाला शीशा भी बड़ा है, तो आपको सब कुछ दिख जाता है इस वाले 5 सीटर वर्जन में। 7 सीटर जब मैं चलाऊँगा तो उसके बारे में आपको अलग से बताऊँगा, बट 5 सीटर में आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एज अ सेड द राइड कम्फर्ट इज गुड, द ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड एंड इट्स क्वाइट निपी कार टू ड्राइव ऑन। निपल गाड़ी है ये, ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी है तो भारी पना लगता है आपको, हल्का पना है, इट्स अ वेरी निपल कार टू ड्राइव एज वेल। सो दीज आर थिंग्स विच मेक दिस कार क्वाइट अ गुड पैकेज एंड क्वाइट अ यूनिक पैकेज इन दिस कैटेगरी। अब कुछ लोग कहेंगे काश ऑटोमेटिक भी आता, काश ये भी आता, काश वो भी आता। देखिए सिट्रोन वाले अपनी कॉस्टिंग तो बचा ही रहे हैं क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही वर्जन बनाएंगे, साथ ही साथ इस गाड़ी की कॉस्टिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है, तो आपके लिए भी एक बड़ा बेनिफिट है। ड्राइविंग में ऐसे होंगे इसको इग्निशन स्कोर 89 का 100 में से, थोड़ी सी पावर और होती तो मज़ा आता, बट इट्स नॉट बैड फॉर एवरीडे यूज एंड इट्स नॉट बैड फॉर ओकेजन हाई ट्रिप्स एज वेल। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस गाड़ी के साथ, वेल अब गाड़ी में चला चुका हूँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गाड़ी चलाने में बहुत ही अच्छी है, टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, राइड कम्फर्ट बेहतरीन है, स्टेयरिंग व्हील का फीडबैक अच्छा है, लेकिन जो बड़ा वर्डिक्ट है वो ये है कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं, वो हम आपको प्राइस के बाद ही बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इस गाड़ी में फीचर्स काफ़ी मिसिंग है, जैसे कि सनरूफ वगैरह नहीं आता है, वायरलेस चार्जर नहीं है, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है। तो अगर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अपने राइवल से करीब 1 लाख रुपए सस्ता रहता है, जो बेस वर्जन है उसका प्राइस और टॉप ऑफ द लाइन वर्जन का करीब 1.5-2 लाख, तो ये गाड़ी लेने लायक है, जस्टिफाइड है फिर। लेकिन अगर इसका प्राइस सिर्फ 50,000 या 60,000 कम रहता है देन इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। हाँ हो सकता है सिट्रोन वाले इसके इतनी सी प्राइसिंग रखे कि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी छोड़ के इस गाड़ी की तरफ आ जाएं, तो अगर ऐसा होता है तो देन दिस कार इज़ अ नो ब्रेनर, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके एक बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकते हैं चाहे फीचर्स कम हो, तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। तो प्राइसिंग का वेट करते हैं, बट एज अ कार विच ड्राइव्स वेरी वेल, एज अ कार विच ऑफर्स यू गुड स्पेस एंड एज अ कार विच ऑफर्स यू गुड कम्फर्ट, सिट्रोन डेफिनेटली हैज़ अ गुड जॉब एंड देव इंजीनियर्ड अ वेरी सॉलिड प्रोडक्ट। मैं देखूँगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 90 का 100 में से, और फाइनल वर्डिक्ट करेंगे प्राइस के बाद।